सिंध की सैलाबी सूरत हाल में, तो सिंध हुकूमत को इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए और आप क्या मशवरा देंगे? चीफ मिनिस्टर साहब 3 दिन से जो है वो यहाँ ठट्ठा से निकले हैं पूरी अपनी कैबिनेट के साथ, फिर उसके बाद हैदराबाद से होते हुए आई सखर में उन्होंने तकरीबन जो है मेरे ख्याल से अभी 12,000 खानदान को जो है, जो अभी तक मुझे इंफॉर्मेशन है, उन्होंने स्कोर किया है। बाद जगह जैसे लोगों के नहीं है, उन्होंने टेम्परेरी जो है रिहाइश के टेंट वगैरह दिए हैं, खुराक का सबको बोला है कि इनको पहुँचाएँ, हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट लगी हुई है। इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतना जुल्म कर रही है कि जिसका 2-2.5 हज़ार बिल आता था उसका 11-11, 12-12 हज़ार बिल आ रहा है, तो कैसे एक आम आवाम, एक जो 10-20 हज़ार कमाने वाला है और एक रेहड़ी वाला है, वो 11 हज़ार बिल कैसे पे करेगा? कराची इलेक्ट्रिक जो है एक ऐसा जो है, ये बीज जो है कराची वालों की आवाम के साथ ज्यादती की गई है, ऐसा मैं लफ्ज जो है जो मर्जी है मेरे में तो बोलूँगा शैतान जो है, इन्होंने जीना आराम किया हुआ है। बिलावल भुट्टो की क़यादत को कहाँ देखते हैं आप कैसे? बिलावल साहब की एक क्वालिटी मैंने देखी है कि उन्होंने जो ये बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो लोग चाहिए मुझे जिन्होंने मेरी माँ के साथ काम किया। सिंध में कैसा फ्यूचर देखते हैं आप, पीटीआई का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखें जी, सिंध में जो खैर तो पीटीआई तो है ही नहीं है, सिंध जो है इंटीरियर जो है और जो हमारा कराची डिवीज़न है यहाँ पे जो खुदाई मखलूक जो है कुछ MPM की सीटें, कुछ पीपल्स पार्टी की सीटें इनको दी गई थी, लाए गए थे, तो कराची में इन्होंने क्या क्या किया है जो आपके जो है 18 जो है आपके MNAs 34 MPs हैं, 50-50 करोड़ MNA को फंड मिले हैं, कहाँ पर लगाए आपने?